Xiaomi का नया HyperOS का ऐप्स को ट्राई करना है, जो कि दो मेन एसेंशियल ऐप है जो कि आपका डे टू डे लाइफ में काफ़ी काम आता है ये दोनों ही ऐप्स। तो ये आपको नया UI के साथ देखने को मिलता है। बेसिकली इसमें आपको बोल सकते हैं कि आपको HyperOS का लुक देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको ज़्यादातर कोई भी Redmi, Xiaomi और Poco डिवाइस में अपडेट करके ट्राई कर सकते हैं और परफेक्टली काम करेगा। फर्स्ट है आपका कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में आपको UI चेंज देखना मिल जाता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ UI चाहिए था बिना HyperOS का, क्योंकि अपडेट आने में काफ़ी टाइम है, तो तब तक आप जो है ये ऐप को अपडेट करके यूज़ कर सकते हैं और ये आपका जो है एग्जिस्टिंग ऐप को ही अपडेट कर देगा और नया आपको लुक देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ आपको लुक देखना मिलता है। और इसमें आपका जो है, जैसे कि आपका कन्वर्टर भी, जो उसमें आपको टॉगल्स जो देखने को मिलता था, आइकन्स आपका चेंज कर दिया गया और आपको न्यू लुक के साथ देखने को मिल जाएगा। और सेटिंग्स बेसिकली वही है, 3-डॉट मेन्यू में हिस्ट्री देखने को मिल जाता है, तो आप अपना जो है हिस्ट्री इसको चेक कर सकते हैं। बाकी आपका जो इसमें और भी एक्सपैंड करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, बट आपको एक अलग लुक के साथ देखने को मिलता है, जो कि अगर आपको ऐसा कुछ नया लुक चाहिए था HyperOS वाला, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और इसका अगर आप वर्जन चेक कीजिएगा तो ये आपका 15.0.8 जो कि बेसिकली MIUI 15 या / HyperOS है। तो बस ये आप ट्राई करो, कैलकुलेटर लिंक डिस्क्रिप्शन में, चलो चेकआउट करो। सेकेंड ऐप है कैलेंडर, जो कि आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। ये भी आप डेली यूज़ करते होंगे और इसका पहले अपडेट जो कि MIUI 14 में भी आपको क्लोज बीटा रॉम में नया कैलेंडर को जो ऐड किया गया था, बट आपका इंडिया और ग्लोबली नया कैलेंडर का अपडेट नहीं दिया गया था। तो शायद HyperOS में भी हो सकता और नहीं भी हो सकता, कुछ सभी ऐप्स आ जाए इस पर, तो होप सो आए। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने मिलता है, जो कि आपका जो ग्लोबल और इंडिया में कैलेंडर लैग करता है, तो ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको ग्लोबल हॉलीडेज देखने को मिल जाएगा और अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कोई भी कंट्री या रीजन का हॉलीडे, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको और भी कोई कंट्रीज को ट्रैक करना तो आप ट्रैक कर सकते हैं। और फिर इसमें आपको जंप टू डेट और ये सभी ऑप्शंस देखने को मिल जाता है 3-डॉट मेन्यू में। इम्पोर्ट इवेंट का ऑप्शन देखने मिलता है और कैलेंडर के लिए भी अकाउंट स्विच करने का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। टाइम जोन देखने मिल जाता है और अदर कैलेंडर्स देखने मिलता है। फिर आपको बाकी जैसे कि आपको ग्लोबल हॉलीडेज का ऑप्शन देख सकते हैं, सभी जो है आपको मतलब एरियाज देखने मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए वो आप सेट करके ऐड कर सकते हैं और फिर आपको वो कैलेंडर वो सब हॉलीडेज भी देखने को मिल जाएगा। तो ये मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। और कैलेंडर देखो नया कुछ, बहुत दिन से एक ही चीज़ है, तो कुछ अपडेट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। और ये भी आपका जो इसका भी अगर आप ऐप इन्फो में जाइएगा, इसमें आपको देखने को मिलता है 15.0.0.4। तो ये दोनों ही जो है MIUI 15 का ऐप्स है या HyperOS का ऐप्स है, तो ट्राई करो, लिंक मिल जाएगा दोनों ही ऐप्स का डिस्क्रिप्शन में। जब जल्दी से डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद अपडेट करो। और इसका जो है मतलब जो ऐप था उसके ऊपर चढ़ेगा नहीं, मतलब कि अपडेट आपका एक इंडिविजुअल ऐप बन जाएगा अलग से सेपरेट। तो हाँ, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, दो आपका कैलेंडर ऐप्स बेसिकली सेम ऐप अलग अलग रीजन का हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार जाओ पहले वीडियो को लाइक करो, दो एसेंशियल ऐप्स था डाउनलोड करो, अपडेट करो, बताओ कैसा लगा वीडियो, नीचे कमेंट करो, सजेस्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और बस बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।